हेलो फ्रेंड्स, टीम यस वी कैन की ओर से आप सभी दोस्तों को अपनी इस दोस्त का प्यार भरा नमस्कार। मार्च करंट अफेयर्स सेगमेंट और ये सेशन भी हमें प्राप्त हुआ है टीम यस वी कैन के अहम सदस्य अमित कुमार जी के। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हॉलोकास्ट म्यूजियम द्वारा जिस पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को दिया गया मानवाधिकार सम्मान वापस लेने की घोषणा की गई, उनका क्या नाम है? आंसर, आंग सान सू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला पर्वतारोही को हरियाणा सरकार द्वारा कल्पना चावला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर, अनीता कुंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा देश है जो नेपाल में वर्ष 2015 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हुए करीब 50,000 मकानों के पुनर्निर्माण के लिए करीब 1 अरब रुपए की मदद देगा? आंसर, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली रिलायंस कम्युनिकेशन की याचिका खारिज कर दी है? आंसर, बॉम्बे हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 की त्रिकोणीय श्रृंखला में बांग्लादेश के खिलाफ 50 छक्के लगाने वाले तीसरे ऑलराउंडर कौन है? आंसर, सुरेश रैना। ठीक, नाउ फ्रेंड्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका में आपातकाल लागू होने के बावजूद मुसलमानों पर हुए हमलों के बाद राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को किस मंत्री के पद से हटा दिया है? आंसर, कानून मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए स्पेक्ट्रम भुगतान की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया है? आंसर, 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने 8 मार्च 2018 को महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? आंसर है, उद्यम सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अशोक गजपति राजू और YS चौधरी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताना है ये है कि उनका संबंध किस पार्टी से है? आंसर है, तेलुगु देशम पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप तीरंदाजी में स्वर्ण पदक पाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? आंसर, गोराहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के राष्ट्रपति जो पहली बार भारत यात्रा पर आए, उनका क्या नाम है? आंसर, इमानुएल माइक्रोन। और ये हैं विश्व के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। ठीक, पहले राष्ट्रपति है ये जो इतनी छोटी उम्र में राष्ट्रपति बने हुए हैं, और कि उनकी जो उम्र है वो है मात्र 39 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले एशियाटिक शेरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? आंसर है, 600। नेक्स्ट, वह पार्टी जिसके सांसदों ने हाल ही में आंध्र प्रदेश कैबिनेट से इस्तीफा देने का फैसला किया है? आंसर, तेलुगु देशम पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा 2% DA बढ़ाए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को कुल कितना प्रतिशत DA मिलेगा? आंसर है, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में विद्युत पेंशन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की? आंसर है, हरियाणा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की? आंसर, झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रिपोर्ट के मुताबिक कामकाजी भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में 20% कम वेतन प्राप्त करती हैं? आंसर, मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है?
आंसर फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई की प्रशासनिक समिति द्वारा 7 मार्च 2018 को जारी हुए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में किस तेज गेंदबाज को जगह नहीं मिली? आंसर है मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? आंसर नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय तमिलनाडु से किस राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है? आंसर है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसके अनुसार रोहिंग्या शरणार्थी जबरन भूखमरी को मजबूर हैं? आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस क्वालिटी देने के मामले में किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? आंसर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय के शोध में यह पाया गया है कि चुंबकीय तरंगों से ही सूर्य को ऊष्मा प्राप्त होती है? आंसर क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसने सहमति के साथ सेक्स करने की आयु 15 वर्ष निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया है? आंसर फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने कितने देशों के साथ मिलकर अंडमान द्वीप समूह में 8 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? और इसका आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कुश्ती महासंघ ने आयु सीमा का उल्लंघन और अपने राज्य से बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए हुए दूसरे राज्यों के लिए खेलने पर कितने पहलवानों को 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है? आंसर है 7 पहलवानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय गेंदबाज ने जूनियर सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर है व्यंकटेश प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो एक्सिस बैंक पे लगा है 3 करोड़ रुपए का जुर्माना और इंडियन ओवरसीज बैंक पर लगा है 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2017 में अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा विदेशी धारक बन गया है? आंसर है भारत। तो भाई, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया एज एन इंडियन सिटीजन। तो चलिए नाउ फ्रेंड्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में ताल मेमोरियल रैपिड शतरंज खिताब जीता है? आंसर है विश्वनाथन आनंद, जिसको कि आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस शीर्ष आर्थिक सलाहकार और राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है गैरी कोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी सूची के अनुसार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? आंसर है जेफ बेजोस, ये अमेज़न के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसके साथ अमेरिका की 1975 में हुई लड़ाई के बाद पहली बार विमान वाहक पोत भेजा गया? आंसर है वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की घोषणा के अनुसार सऊदी अरब ने किस भारतीय विमान कंपनी को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है? आंसर एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के वे व्यक्ति कौन हैं जिन्हें प्राइड ऑफ बर्मिंघम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर हैरियट वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारतीय सेना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर 4th। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है,
और अब हम चाहेंगे कि भारतीय सेना अच्छा प्रदर्शन करे ताकि जल्द से जल्द उसको कौन सी पोजीशन मिले, फर्स्ट पोजीशन, है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस 16 वर्षीय शूटिंग खिलाड़ी का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में ISSF में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रायद्वीप जिसमें हाल ही में अपनी पहली क्रिप्टो करेंसी जारी की है? आंसर है मार्शल प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में पहली बार महिला मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? आंसर सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी सेना ने सैनिकों की संख्या 23 लाख से घटाकर कितनी कर दी है? आंसर है 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय के नए मुख्यमंत्री कौन है? आंसर कॉनराड संगमा। तो कॉनराड संगमा कौन है? ये पीए संगमा जो थे ना, उनके लड़के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के प्रतिष्ठित दिव्यांग कार्यकर्ता जावेद आबिदी का हाल ही में निधन हो गया? और ये रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की सदस्यता को बहाल कर दिया है? आंसर रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 28 फरवरी 2018 को डीडी और एयर इंडिया के कर्मचारियों के वेतन के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया है? आंसर है 208 करोड़ रुपए का फंड। नेक्स्ट, भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया और विनोद कुमार ओम प्रकाश ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अपनी अपनी वजन कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? आंसर है कांस्य पदक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी राशिद खान का संबंध किस देश से है? इसका आंसर है अफगानिस्तान। और हम आपको इनके बारे में एक चीज़ ये भी बता दें कि ये सबसे छोटे उम्र के कप्तान हैं, सबसे युवा कप्तान हैं, 19 वर्ष की उम्र में ही इनको कप्तानी का कार्यभार सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा कुमारी किस देश की राज्यसभा सांसद चुनी जाने वाली पहली हिंदू महिला है? आंसर पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत राज्य को 28 फरवरी से कितने महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? आंसर 6 महीनों के लिए। नेक्स्ट, किस राज्य की महिला टेनिस टीम ने राष्ट्रीय टेनिस ट्रॉफी 2018 जीत ली है? आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पहलवानों ने किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? आंसर है 8 पदक। वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने यूनाइटेड किंगडम में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? और दोस्तों ये है हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है शत्रुघ्न सिन्हा। तो दोस्तों इसी जवाब के साथ मार्च करंट अफेयर्स क्विज का ये सेगमेंट यहीं पर होता है ख़त्म। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा रहेगा सिर्फ और सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग इस सेशन को जम करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत को करते हैं दिल से सलाम। और एक बार फिर आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।